हे हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अरविंद गुप्ता और अगेन मैं आपके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेके आया हूँ मार्केट में, जो एकदम नया है, ग्रीन टी। अब आप बोलोगे ग्रीन टी तो ऑलरेडी मार्केट में बहुत सालों से चल रहा है, ग्रीन टी के बेनिफिट सबको पता है, आज के डेट में लोग चाय से ज़्यादा ग्रीन टी पिया करते हैं। तो मैं क्या नया लेके आया हूँ, मैं लेके आया हूँ ग्रीन टी का कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूला। ग्रीन टी क्या है? बेसिकली इट्स अ वेरी गुड एंटी ऑक्सीडेंट, जो हमारी बॉडी में जितना भी ऑक्सीडेशन होता है उसको ख़त्म करती है, उसको उसको जो खराब बॉडी के सेल को डैमेज होने से बचाता है। तो जितना भी हम लोग मार्केट में जाते हैं, सांस लेते हैं, पॉल्यूशन में जाते हैं, और जितना भी हमारी बॉडी में सेल टूटते हैं, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब आपने देखा ना, नर्वों में रस्ट रहता है, जंग लग जाती है, तो सेम ऑक्सीडेशन होता है, उसके कारण जंग लगती है। तो सेम हमारी बॉडी के अंदर भी ऑक्सीडेशन होता है जिसके कारण हमारे सेल टूटते हैं, तो उनको चाहिए होता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, वो ऑक्सीडेशन सेल को उसको ख़त्म कर देते हैं। अभी एंटीऑक्सीडेंट काय काय में होते हैं, लाइक ऑल मल्टीविटामिन आर एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो ग्रीन टी में भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत हाई होती है। तो मार्केट में बहुत सारी ग्रीन टी आती हैं, तो इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, ये प्रीमियम क्वालिटी की है। तो ये आपने सैशेट आपने बहुत सारे मार्केट में देखे होंगे, ग्रीन टी के सैशेट पीने के लिए होते हैं। तो ये भी ग्रीन टी है ऑफकोर्स, बात ये थोड़ा कॉन्सेंट्रेट फॉर्म है, ये नॉर्मल फॉर्म है। तो मैं भी हम लोग टेस्ट करेंगे कि सही में ग्रीन टी वर्क करता है या नहीं करता है, ओके। तो जैसे कि उसमें ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करने की प्रॉपर्टी होती है, एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, तो ये बात फैक्ट है कि नहीं है, इसलिए मेरे पास है ओआरपी मीटर, ठीक है। जो सर लेके आए हैं, सर आइए थोड़ा वीडियो में लोगों से मिलिए। जी जी। तो ये सर क्या करते हैं आप? मैं पीएचई डिपार्टमेंट में हूँ। सर पीएचई डिपार्टमेंट में है, इंजीनियर है, पीएचई डिपार्टमेंट जो वाटर डिपार्टमेंट होता है। तो ये मीटर लेके आए, मैंने स्पेशली इनको कॉल किया कि सर मुझे एक वीडियो बनाना है, तो उसके लिए ओआरपी मीटर लेके आए। व्हाट इज ओआरपी? इज अ ऑक्सीडेटिव रिडक्शन पोटेंशियल मीटर। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल मीटर। तो ये जो भी ओआरपी मतलब अगर नेगेटिव में जाना चाहिए, जितना माइनस में ओआरपी होगी उससे ज्यादा की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। तो हम ये अब चेक करेंगे कि हम इसको और इसको पानी में डाल के देखते हैं कि उसमें ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी कितनी ज्यादा बनती है। तो ये है फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं लिप्टन का ग्रीन टी का सेशन निकाल रहा हूँ, और इसको मैं जो जनरली आप लोग कर रहे हो यार, डेली पीते हो ना, इसके फायदे भी बताऊंगा भी आपको, ग्रीन टी के क्या क्या फायदे होते हैं। ग्रीन टी से ग्रीन टी, ओके, ये कॉन्सेंट्रेट फॉर्म है, ये नॉर्मल फॉर्म है। तो इसमें हम एक डाल देते हैं जब तक ये अपना काम करेगा। जनरली ग्रीन टी ना वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा काम करती है, आपको पता है वेट लॉस में लोग जनरली पीते हैं, और फॉर नॉर्मल हेल्दी वेलबींग के लिए भी पीते हैं। और एक मैं इसमें एक टैबलेट फॉर्म में डालता हूँ, कॉन्सेंट्रेट टैबलेट फॉर्म में है। इसमें जस्ट टैबलेट को आपको लेके और इस पानी में डाल देना है, कहीं भी आपको कुनकुने पानी में, गर्म पानी मतलब एकदम बहुत खौलते हो गर्म पानी में मत लीजिएगा, वरना वो ग्रीन टी के जो ऑक्सीड जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज को डैमेज कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आपको कुनकुने पानी में हमेशा ग्रीन टी पीना है, मतलब जो आप सिप करके पी सकें। तो इसको सिंपल सा है, आप इसको डाल दीजिएगा, ये अपने आप डिसॉल्व हो जाती है टैबलेट। तो ग्रीन टी के बेनिफिट, वो आपको कैंसर से प्रिवेंट करता है, बिकॉज मास्टर एंटीऑक्सीडेंट, उसके अंदर मतलब एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी अच्छी होती है। तो वो जैसे रस्टिंग होती है आयरन के ऊपर, वो जैसे ऑक्सीडेशन होता है, सेम आपकी बॉडी के अंदर कैंसर को भी प्रिवेंट करने के लिए ग्रीन टी यूज़ की जाती है। वो खत्म नहीं करता है, आई एम नॉट सेइंग कि वो ग्रीन टी से आपका कैंसर खत्म हो जाएगा, बट येस वो आपको अगर किसी को कैंसर होने की चांसेस हैं तो वो उसको प्रिवेंट करेगा। दूसरी बात, आपको स्टिंकी ब्रेथ मतलब कि ब्रेथ में बदबू अगर आ रही है, तो जो बैक्टीरियल बैड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे मुँह के अंदर हो जाते हैं, तो ये इसके अंदर जो कैटेचिन होते हैं वो भी आपके बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। तो आपको प्लाक नहीं होता, कैविटी नहीं होगी दांतों में, और आपकी बैड ब्रीथ भी नहीं आएगी। ग्रीन टी आपके दिमाग को रिलैक्स कर देता है, ओके। तो ग्रीन टी आपके दिमाग को रिलैक्स करता है, साथ में आपका ब्लड प्रेशर उसको भी लोअर करता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं तो आप ग्रीन टी पीजिए, और आपको ब्लड प्रेशर भी लो करेगा, साथ ही साथ आपके बॉडी का फैट को बर्न कर देता है। इसके अंदर बहुत सारा फ्लेविनॉइड्स होते हैं, जो EGCG जो कहते हैं फ्लेविनॉइड्स होते हैं, जो मेन इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो हमारी बॉडी को हेल्प करता है सब चीज़ों में
ऑक्सीडेशन में या एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के साथ जो माय सेल्स को हेल्दी बनाता है, साथ ही साथ ही आपके बॉडी की लाइफ स्पैन, आपके सेल की लाइफ स्पैन को भी बढ़ा देता है, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडेशन को खत्म कर रहा है और जितना भी फ्री रेडिकल्स आ रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म, आपके लंबे समय तक जीना है तो। अब कितना लंबे समय तक ये हेल्प करेगा जीने में तो वो मुझे नहीं पता, बट यस इसकी प्रॉपर्टी है आपकी सेल की लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए ये। और इसमें जो ग्रीन टी के कैप्सूल हैं ये 10 ग्लास इस टाइप के ग्रीन टी अगर आप पीते हैं तो इक्वल टू 1 इस कैप्सूल के अंदर प्रॉपर्टी है उतनी। तो अभी हम चेक करेंगे कि कितना ये ओआरपी मीटर से वर्क कर रहा है। तो अभी मैंने इसमें इसको थोड़ा कर देता हूँ। ओके तो मैंने इसमें डाला है और अभी आप देखेंगे ये ओआरपी मीटर है, इसमें आपको दिखेगा अभी ये प्लस में चल रहा है 328, ये उल्टा दिख रहा है आपको, ये प्लस में है। तो मैं अभी पहले डालूंगा ये जो मैं सैशे वाला ग्रीन टी जो आप जनरली आप लोग पीते हैं, तो कितना आ रहा है ये 300, थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन नेगेटिव नहीं, एक इट्स 20, हाँ थोड़ा सा कम हुआ है ये, मतलब ये नेगेटिव की तरफ, ये 300 से स्टार्ट हुआ था और आप देखेंगे 184 पे ये स्टॉप हुआ है, मतलब इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है जो नॉर्मल वाटर में अगर ऑक्सीडेशन 300 समथिंग था ओआरपी, तो ये अभी इसमें ग्रीन टी में डालने के बाद ही 182 पे आके स्टॉप हुआ है। ओके सो ग्रीन टी वर्क करता है। अब हम मैं चेक करता हूँ ये वाला ग्रीन टी जो है ये कॉन्सेंट्रेट फॉर्म जो कंपनी कहती है कॉन्सेंट्रेट फॉर्म है 10 कप ऑफ दिस नॉर्मल ग्रीन टी इक्वल टू ये। तो अभी मैं देखूंगा, आप देखोगे इसमें अभी है ये नॉर्मल जा रहा है अप हो रहा है, तो मैं अब इसमें डालता हूँ तो ये माइनस में गया है, माइनस 385 समथिंग और ये 400 पे पहुंच गया है। ओके 418 15, तो ये माइनस, आप देखो ये माइनस दिखेगा आपको, तो ये माइनस में जा रहा है, तो इसकी ओआरपी बहुत ज़्यादा है, माइनस मतलब नेगेटिव में जा रहा है। तो ये आपकी जब आप पियेंगे तो आपकी बॉडी में जितना भी ऑक्सीडेशन है उसको, जितना भी ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको खत्म करेगा, इसमें जो एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है वो दिखा रही है। तो आप इसमें देखिएगा -44, अब मैं इसमें डालता हूँ तो ये प्लस में चला गया, ये माइनस का साइन हट गया और प्लस में चला गया है, विच इज 282 समथिंग का हो रहा है। एक ग्लास नॉर्मल पानी देते हैं आप ये देखिएगा ये समथिंग 310 से पहुंच गया है, ये एक्चुअली थोड़ा उल्टा नेगेटिव मतलब मिरर इफेक्ट आ रहा था एक ग्लास ओके इसमें नॉर्मल पानी दीजिएगा, मैं नॉर्मल पानी की भी ओआरपी चेक करता हूँ जो हम लोग नॉर्मली पीते हैं पानी, इसकी ओआरपी क्या है। ओके तो ये नॉर्मल पानी है, इसमें हम डालते हैं इसकी ओर पे कितनी आ रही है, इट्स 296 97 समथिंग, जा 300 के ऊपर पहुंच गया। तो नॉर्मल जो हम पानी पीते हैं वो ऑक्सीडाइज पानी होता है, ऑक्सीडाइज वाटर होता है, तो इसकी ओआरपी आपको 328 329 समथिंग दिख रही है। अगर मैं नॉर्मल ग्रीन टी में डालता हूँ सैशे वाला ग्रीन टी जो मार्केट में मिलता है जो जनरली आप लोग पीते हैं लेमन ग्रीन टी लेमन डाल के पीते हैं समथिंग पीते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी आप देखेंगे तो ये -200 समथिंग जा रहा है, नॉट माइनस में नहीं जा रहा है, ये 200 समथिंग जा रहा है, मतलब नॉर्मल पानी से तो उसने अच्छा कर दिया नॉर्मल पानी को, मतलब पीना बुरा नहीं है, यू कैन ड्रिंक ग्रीन टी, इसमें ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी जो है वो कम हो रही है। और मैं अगर इसकी बात करूँ ये तो ये माइनस में चला गया। तो गाइस सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ आपको दिख रहा है कैसी चीज़ें वर्क करती है और तो आपको क्या पीना चाहिए। प्रीमियम क्वालिटी की ग्रीन टी पियेंगे तो इसका इफेक्ट हेल्थ इफेक्ट आपको दिखेगा लाइफ, मैंने आपको टेस्ट करके दिखाया है। अगर आपको ब्लोटिंग होती है रात में आप सोते हैं और आपको सुबह चेहरा फूला फूला दिखता है तो आप खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी को पीजिए और वो आपको सुबह ब्लोटिंग नहीं होने देगा। आपको कुनकुने पानी में डालकर इसको पीना है, मतलब बहुत बहुत खौलता हो गर्म पानी नहीं, गर्म पानी में डालना है, एक टैबलेट को डालना है और उसको आप डाल के पी सकते हैं। ये इसके अंदर और क्या क्या है, इसके अंदर है गार्सिनिया कम्बोगिया 100 mg, कैमेलिया ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट 200 mg,
सिनेमन एक्सट्रैक्ट भी है 25 mg इसमें, तुलसी एक्सट्रैक्ट भी है 25 mg इसमें, लेमन एक्सट्रैक्ट भी है 25 mg इसमें, जिंजर एक्सट्रैक्ट भी 25 mg, पेपर निग्रम है 25 mg, ब्लैक सॉल्ट है 5 mg, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, आपको टेस्टी लगेगा, थोड़ा खट्टा सा टेस्ट आएगा मगर इट्स गुड। आप चाहे तो उसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आपको कोई शुगर वगैरह ऐड करनी। ग्रीन टी को आपको पीना है, नेचुरली पीना चाहिए। ये इसमें और इसमें फ़र्क क्या हो जाता है कि सर आप देखेंगे कि इसमें मैंने डाला है और 5 मिनट में आप इसको करेंगे उसमें उसका एक फ्लेवर का कलर आ जाता है पानी के अंदर, बट ये जो टैबलेट फॉर्म में है ये पूरा का पूरा डिजॉल्व हो जाता है और वो पूरा डिजॉल्व होने के बाद आपको पूरा इफेक्ट देता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको निकाल के फेंकना है, आपको पूरा पूरा पीना और कॉन्सेंट्रेट एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ वो ये टैबलेट कंप्रेस करके बनाई गई है। और इसकी इसको आपको मिलेगा कहाँ पर, आपको मिल जाएगा www.lascomic.com पे, वहाँ पे जाके इसको परचेस कर लीजिए और इसको डेली पीजिए। ये आपको खाने के 1 घंटे बाद पीना है, याद रखिएगा हमेशा ग्रीन टी को खाने के 1 घंटे बाद पीना है। अगर आप खाने के बाद तुरंत बाद पी लेंगे तो ग्रीन टी खाने से आपके बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, तो आयरन डिफिशियंसी हो सकती है अगर आप खाने के तुरंत बाद पीते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है 1 घंटे बाद ही पीना है। और मैं बोलूँगा कि आप भैया दोपहर में पी सकते हो, जब आपको खाना खा लिया और लंच कर लिया उसके 1-2 घंटे बाद पी लो, शाम इवनिंग में पी सकते हैं, और सोने के 1 घंटे पहले मतलब सोने के खाने जब आप डिनर कर लें तो 1 घंटे बाद आप पीजिए, तो आपको मॉर्निंग में ब्लोटिंग नहीं होगी। जो रिजल्ट आपको बहुत सारे लोग करते हैं, मॉडल एक्टर करते हैं कि उनको ब्लोटिंग ना हो, उसके लिए वो चीज़ करते हैं। और ये आपको ग्रीन टी आपको वेट लॉस भी हेल्प करेगा वेट लॉस करने में। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे फॉलो कीजिए डॉक्टर अभिनीत गुप्ता इंस्टाग्राम पर, मैं आपको वहाँ पर वेट करूँगा। और हम फिर से मिलेंगे एक और नए मेडिकेशन के साथ, नए वीडियो में मैं कुछ नया लेके आऊँगा आपको। तो ये आपको इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा और आपके मेटाबॉलिज्म को भी हेल्प करेगा, हर चीज़ में हेल्प करेगा। तो स्टे ट्यून्ड विद मी डॉक्टर अरविंद गुप्ता।